स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिस्ट्री की बुक स्टार्ट करवाऊंगी और उसका फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम इसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स पेज नंबर 13 पर आएँ, वहाँ देखिए फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड बीन डिस्कवर्ड एंड आल्सो डिस्क्राइब फ्रॉम वेयर द साइंस ऑफ एंशंट सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड। स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन को समझ लें, हाउ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड बीन डिस्कवर्ड, के वादी सिंध की तहजीब कहाँ दरियाफ्त हुई, एंड आल्सो डिस्क्राइब और ये भी बयान करें फ्राम वेयर द साइंस ऑफ एंशंट सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड, के उसके जो आसार हैं पुरानी तहजीबों के वो कहाँ कहाँ पाए गए हैं। अब तमाम स्टूडेंट्स पेज नंबर 4 पर आएँ, यहाँ देखें ये आपको हेडिंग नज़र आ रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हेडिंग भी लिखी जाएगी, आप क्वेश्चन लिखेंगे फिर ये हेडिंग लिखेंगे और यहाँ से निशान लगाएं इसके नीचे से फर्स्ट लाइन से ही, इंडस वैली इज़ वन ऑफ द, यहाँ से लेकर पैराग्राफ के लास्ट तक वेस्टर्न इंडिया तक। स्टूडेंट्स अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी दरियाए वादी सिंध की तहजीब, वैली का मतलब वादी, इंडस सिंध की और सिविलाइजेशन तहजीब। इंडस वैली इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वादी सिंध की तहजीब इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यानी पुरानी तहजीबों में से एक तहजीब है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की यानी दुनिया की पुरानी तहजीबों में से वादी सिंध की तहजीब एक पुरानी तहजीब है। द रीजन इलाका वेयर जहाँ दिस सिविलाइजेशन वॉज डिवेलप्ड, जहाँ ये तहजीब डिवेलप का मतलब तरक्की पाना या बढ़ना तकमील पाना, हैड बीन इरीगेटेड होता है सैराब होना आपाशी हासिल करना, मेनली खास तौर पर बाय रिवर इंडस दरियाए सिंध से एंड इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर और उसके 52 दरियाओं से। इसका मतलब ये है कि द रीजन वो इलाका जहाँ पर ये तहजीब बढ़ी या तरक्की पाई, उस इलाके को दरियाए सिंध और इसके 52 दरिया सैराब करते थे। द साइंस, साइन का मतलब निशानात या आसार ऑफ दिस सिविलाइजेशन, इस तहजीब के आसार आर फाउंड इन सिंध में पाए जाते हैं, कहाँ पर, एट मोहनजोदारो में एंड इन पंजाब और पंजाब में, अलॉन्ग विद रिवर रावी एट हड़प्पा साहिवाल और पंजाब में दरियाए रावी के किनारे हड़प्पा साहिवाल के इलाके में पाए जाते हैं। अबाउट तकरीबन 1500 एडिशनल सेटलमेंट्स, 1500 अजाफी एडिशनल अजाफी यानी इसके अलावा सेटलमेंट्स आबादियां या बस्तियां, एंड साइंस ऑफ दिस सिविलाइजेशन हैव बीन डिस्कवर्ड, और इसी तरह की तहजीबों के जो आसार है वो डिस्कवर्ड दरियाफ्त हुए इन पाकिस्तान में एंड वेस्टर्न इंडिया मगरबी भारत में। इसका मतलब ये है कि जो वादी सिंध की तहजीब जो दरियाफ्त हुई जो कि मोहनजोदारो में और हड़प्पा साहिबाद में पाई जाती है, यानी मोहनजोदारो और हड़प्पा साहिबाद के अलावा अबाउट 15 एडिशनल सेटलमेंट्स यानी तकरीबन इन दोनों के अलावा 1500 के करीब अजाफी बस्तियां या आबादियों के निशानात पाए गए हैं पाकिस्तान में और मगरबी भारत में। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको इस क्वेश्चन में जितने भी वर्ड डिफ़िकल्ट है आपके लिए उनके मीनिंग्स की भी पिक्स आपको भेजूंगी, वो भी आपने अपने होमवर्क में लिखनी है और इस क्वेश्चन का ये आंसर भी लिखना है। आपका जो होमवर्क है वो ये आंसर है, ये आपने याद करना है और आपने कापियों पर भी लिखना है। अल्लाह हाफिज़।